रूस के बाद अब चीन ने दुनिया को चौंकाया। चीन की पहली कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर करवाकर तहलका मचा दिया था और अब चीन ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देकर दुनिया को चौंका दिया है। चीन की उसकी पहली कोरोना वैक्सीन AD5-nCoV को पेटेंट भी मिल गया है। इस वैक्सीन को चीन की सेना के मेजर जनरल चेन वेई और कैनसिनो बायोलॉजिक्स कंपनी के सहयोग से बनाया गया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वैक्सीन को पेटेंट मिल गया है। इस पेटेंट के लिए 18 मार्च को अप्लाई किया गया था और 11 अगस्त को इसकी मंजूरी दी गई। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने पेटेंट मिलने की जानकारी दी है। दरअसल चीन ने अपनी वैक्सीन को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन रूस की तरह ही चीन की इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल दुनिया के कई देशों में चल रहा है और इस साल के आखिर तक इसके बाजार में आने की उम्मीद है। चीन की माने तो तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान चीनी वैक्सीन की प्रभाव क्षमता का आकलन किया जाएगा। अगर ये वैक्सीन सफल रहती है तो उसे बाजार में उतार दिया जाएगा। चीन ने अपनी इस वैक्सीन को मंजूरी मिले बिना ही अपने सैनिकों को लगाना शुरू कर दिया था। पीएलए की मदद से बनाई चीनी कोरोना वैक्सीन बड़े पैमाने पर सैनिकों को लगाई जा रही है। इसको लेकर भी चीन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दुनिया में कोरोना वैक्सीन बनाने की होड़ मची हुई है। पहले रूस ने बिना क्लिनिकल ट्रायल के रिपोर्ट सार्वजनिक किए वैक्सीन को रजिस्टर करवा लिया और अब उसी नक्शे कदम पर चीन भी चल चुका है। चीन ने वैक्सीन को मंजूरी देने के साथ ही उसे पेटेंट भी करवा लिया है। हालांकि अभी चीन के वैक्सीन के तीसरे चरण के नतीजे आना बाकी है। क्या आप चीन की वैक्सीन पर उठेंगे सवाल? रूस की बनाई हुई कोरोना वैक्सीन दुनिया के कई देशों की आंखों में चुभ रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि रूसी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल के तीसरे फेज का पूरा किए बिना मंजूरी देना। अब चीन ने भी रूस जैसा ही तरीका अपनाया है। उसने भी सेना और कैनसिनो की वैक्सीन को तीसरे चरण के अंतिम नतीजे से पहले ही मंजूरी दे दी और पेटेंट भी करवा लिया। रूस की तरह ही चीन पहले से ही अमेरिका जैसे देशों को खटक रहा है। ऐसे में अगर वो वैक्सीन के रेस में भी अमेरिका जैसे देशों से आगे निकल जाता है तो ये देश कभी उसकी वैक्सीन को नहीं लेंगे। रूस और चीन की वैक्सीन बनाने में एक समानता जरूर है कि दोनों ने अपनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को दुनिया से छुपा कर रखा है। दोनों ने ही वैक्सीन को मंजूरी से पहले ही सैनिकों को देना शुरू कर दिया था। हालांकि चीन की इस वैक्सीन के नतीजे आना अभी बाकी है। ऐसे में आने वाले समय में पता चलेगा कि चीन की ये वैक्सीन कितनी कारगर है। रूस ने तैयार की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ऐलान के 4 दिन बाद ही रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप तैयार कर ली है। हालांकि अमेरिका समेत कई देश रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रूस की वैक्सीन को अभी तक मंजूरी नहीं दी है, लेकिन इसके बाद भी रूस ने वैक्सीन की पहली खेप तैयार कर ली है। इससे पहले रूस की ओर से जानकारी दी जा चुकी है कि वैक्सीन को दूसरे देशों को देने के लिए सितंबर से इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। रूस दिसंबर या जनवरी से हर महीने 50 लाख वैक्सीन की खुराक का उत्पादन कर सकता है। रूस प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई थी कि देश में बनाई गई वैक्सीन को पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया जाएगा और इसके बाद लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। रूस ने इस बात की भी जानकारी दी कि भारत समेत 20 देशों ने रूस से वैक्सीन खरीदने की इच्छा जताई है। क्या भारत में होगा रूसी वैक्सीन का प्रोडक्शन? दोस्तों रूस के वैक्सीन बनाने के ऐलान के साथ ही ये बहस छिड़ गई है कि क्या भारत में रूस की वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा। दरअसल भारत को दुनिया का वैक्सीन का हब कहा जाता है। दुनिया की 60% वैक्सीन भारत में ही तैयार होती है। ऐसे में रूस अपनी वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए भारत को चुन सकता है। रूसी कोरोना वैक्सीन परियोजना के लिए फंड मुहैया कराने वाली संस्था रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रीव ने कहा कि इस वैक्सीन के लिए 20 देशों से 1 अरब डोज बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है। अब वैक्सीन के इतने ज्यादा डोज बनाने की क्षमता रूस के पास तो नहीं है। ऐसे में वो वैक्सीन के डोज तैयार करने के लिए भारत जैसे देशों पर निर्भर हो सकता है। रूस के भारत के साथ संबंध अच्छे भी हैं। फिलहाल रूस में सिस्टेमा कंपनी को इस वैक्सीन के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी गई है, जो एक साल में वैक्सीन के लगभग 15 लाख खुराक बना सकती है। जबकि रूस को 20 देश से अरबों डोज के ऑर्डर मिले हैं। वैसे भी रूस की ओर से तैयार की गई कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी में कई भारतीय कंपनियां रुचि ले रही हैं। भारतीय कंपनियों ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड से वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल से जुड़ी जानकारियां मांगी हैं। रूस में भारत के राजदूत वेंकटेश वर्मा ने
न्यूज एजेंसी स्पूतनिक को कहा है कि आरडीआईएफ के प्रमुख किरिल दिमित्रीव के साथ वैक्सीन निर्माण को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है और उन्हें उम्मीद है कि इसका सकारात्मक नतीजा निकलेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रूस की वैक्सीन का निर्माण भारत में होगा, इसका फायदा भी भारत को मिलेगा। भारत के पास वैक्सीन के मास प्रोडक्शन की क्षमता। भारत में समय 3 वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। इसमें एक वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर विकसित किया है और बाकी 2 को भारत बायोटेक और जायरस कैडिला कंपनी ने तैयार किया है। भारत में विश्व की 60% वैक्सीन बनती है। भारत के पास बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाने की क्षमता है। वहीं सरकार और वैक्सीन निर्माताओं ने भरोसा भी किया है कि इसे बनाने की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा, जिससे ये सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को उपलब्ध करवाई जा सके।